साल 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी कहो ना प्यार है थी। इस मूवी का बजट 10 करोड़ था। इंडिया में इसने 44 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में इसने 67 करोड़ की कमाई की। 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी गदर थी। इस मूवी का बजट 19 करोड़ था। इंडिया में इसने 76 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 132 करोड़ की कमाई की। 2002 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली देवदास मूवी थी, जिसका 50 करोड़ बजट था। इंडिया में इसने 41 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 89 करोड़ की कमाई की। 2003 में कोई मिल गया ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। इस मूवी का बजट 30 करोड़ था। इंडिया में इसने 47 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 80 करोड़ की कमाई की। 2004 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी वीर ज़ारा थी। इस मूवी का बजट 18 करोड़ था। इंडिया में इसने 41 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में इसने 95 करोड़ की कमाई की। 2005 की नो एंट्री फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की थी, जिसका बजट 24 करोड़ था। इंडिया में इसने 44 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड वाइड में 72 करोड़ की कमाई की। 2006 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी धूम 2 थी। इस मूवी का बजट 35 करोड़ था। इंडिया में इसने 81 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 150 करोड़ की कमाई की। 2007 में शाहरुख खान की ओम शांति ओम ने सबसे ज्यादा कमाई की थी, जिसका बजट 35 करोड़ था। इंडिया में 78 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड वाइड में 148 करोड़ की कमाई की। 2008 में 50 करोड़ के बजट में बनी घजीनी ने इंडिया में 114 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 189 करोड़ की कमाई करके उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। 2009 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थ्री इडियट्स थी। इस मूवी का बजट 55 करोड़ था। इंडिया में इसने 202 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 400 करोड़ की कमाई की। 2010 में 40 करोड़ के बजट में बनी दबंग मूवी ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। इंडिया में इसने 140 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 221 करोड़ की कमाई की। 2011 में सलमान खान के बॉडीगार्ड फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में इसने 148 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 252 करोड़ की कमाई की। 2012 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी एक था टाइगर थी। इस मूवी का बजट 75 करोड़ था। इंडिया में इसने 198 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड वाइड में 334 करोड़ की कमाई की। 2013 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी धूम 3 थी। इस फिल्म का बजट 100 करोड़ था। इंडिया में इसने 284 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 556 करोड़ की कमाई की। 2014 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी पीके थी। इस मूवी का बजट 85 करोड़ था। इंडिया में इसने 340 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 769 करोड़ की कमाई की। 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बजरंगी भाईजान थी। इस फिल्म का बजट 90 करोड़ था। इंडिया में इसने 320 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड वाइड में 918 करोड़ की कमाई की। 2016 में आमिर खान की दंगल मूवी ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। इसका बजट 70 करोड़ था। इंडिया में 387 करोड़ की कमाई करके इसने वर्ल्ड वाइड में 1968 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की। 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बाहुबली 2 थी। इस मूवी का बजट 250 करोड़ था। इंडिया में इसने 1429 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 1810 करोड़ की कमाई की। 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी संजू थी, जिसका बजट 100 करोड़ था। इंडिया में इसने 342 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 586 करोड़ की कमाई की। 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी वो थी। इस मूवी का बजट 170 करोड़ था। इंडिया में इसने 317 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड वाइड में 475 करोड़ की कमाई की। 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी तान्हाजी थी, जिसका बजट 150 करोड़ था। इंडिया में इसने 279 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 367 करोड़ की कमाई की। 2021 में साउथ की पुष्पा मूवी ने सबसे ज्यादा कमाई की थी, जिसका 200 करोड़ बजट था।
इंडिया में इसने 267 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड वाइड में 350 करोड़ की कमाई की। 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी KGF 2 थी। इस मूवी का बजट 100 करोड़ था। इंडिया में इसने 1030 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में 1235 करोड़ की कमाई की।